नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। फरीदाबाद दिल्ली NCR का ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश के कोने कोने से लोग यहां आकर बसे हैं। तो वहीं हम सभी एक अच्छे लाइफ स्टाइल और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना सजोते हैं। शिक्षा को लेकर आज हम बात करेंगे फरीदाबाद के सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की। वर्ष 2011 में गोल्डफील्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना छाइसा गांव में हुई, जिस पर लोन के चलते इसके मालिकों को इसे बंद करना पड़ा। तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज को अपने अधीन लेकर इसे दोबारा से रीओपन करने की तैयारी की है। 27 एकड़ में फैले इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को 2011 में ओपन किया गया था। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में 100 सीट MBBS की थी। 235 करोड़ का बैंक लोन होने के कारण 2015 में इस इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। तो वहीं इस कॉलेज में पढ़ रहे 400 विद्यार्थियों को देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तो सुध ली और उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स यहां पर काम कर रहे थे उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। अब वही स्टाफ मेंबर्स कॉलेज के बाहर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नए कॉलेज के साथ उन्हें भी रोजगार का अवसर प्रदान हो। हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान जारी करते हुए बताया कि मेडिकल काउंसलिंग द्वारा इस कॉलेज को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। तो वहीं अब हरियाणा सरकार इस कॉलेज का नाम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखकर जल्द शुरू करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा इस इंस्टीट्यूट के लिए नए टीचर्स की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी पुराना स्टाफ बेरोजगार बैठा है। हम आशा करते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा पुराने स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी कोई सुध ली जाएगी। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज NCR।